बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करें तो उसके अंदर हमने एफिनिटी मैट्रिक्स को या एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स को पढ़ा था। तो उसके बाद हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा व्यूअर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अब व्यूअर्स, अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए तो उसके अंदर भी हमने इंटेग्रिटी को पढ़ा था और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को भी पढ़ा था या इंटेग्रिटी रूल्स को पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा सा इसको इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है ना वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसकी टाइप्स देखेंगे और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स? इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। बिकॉज अगर आपने कोई डाटा इंसर्ट किया, अपडेट किया है, अगर वो डाटा आपका रिलायबल है और एक्यूरेट है तो हम कह सकते हैं कि आपका डाटा जो है ना वो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पे पूरा उतर रहा है। द टर्म इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट रेफर टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। बिकॉज इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो रेफर करती है वो एक्यूरेसी को एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को करती है। अगर व्यूअर्स कैटेगरी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करें तो इसमें आ जाती है एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और रिफ्रेशर इंटेग्रिटी। तीन तरह की इंटेग्रिटी होती है, एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और रिफ्रेशर इंटेग्रिटी। इन तीनों इंटेग्रिटी को हम कैसे इन्फोर्स करते हैं या कैसे गेन करते हैं तो आइए इनको फर्दर जो है ना हम डिस्कस करते हैं। एंटिटी इंटेग्रिटी की बात करें, the entity integrity rules ensure that the primary key cannot contain null value. अब व्यूअर्स, आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं और उस रिलेशन के ऊपर आप प्राइमरी की जो है ना वो लगाते हैं, तो प्राइमरी की जो है समझने कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर आप कोई भी जो है ना वो नल डाटा इंक्लूड नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आप डाटा नल नहीं कर सकते तो इससे क्या हो जाएगा, आप जो है ना इंटेग्रिटी एंटिटी इंटेग्रिटी जो है ना आपकी इंश्योर हो जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रो इंटेग्रिटी। इफ प्राइमरी की इज अलाउड टू हैव नल वैल्यू, इट इज नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इन ए रिलेशन। बिकॉज अगर आप प्राइमरी की जो है ना आपकी नल वैल्यू को अलाउ कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब होता है, अगर मैं कहता हूँ कि किसी क्लास के अंदर रोल नंबर वन खड़ा हो जाए तो उसके अगेंस्ट एक ही स्टूडेंट खड़ा होना चाहिए, ना कि इसके अगेंस्ट आपको चार पाँच स्टूडेंट बन जाए। इसी तरह अगर मैं किसी आइडेंटिटी कार्ड नंबर की बात करता तो उसके अगेंस्ट एक ही शहरी होना चाहिए। इसी तरह किसी का एम्प्लॉय आईडी है और उसके एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट एक ही एम्प्लॉय जो है ना वो होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमने यूनिकली आइडेंटिफाई जो है ना वो कर रहे हैं किसी भी डेटा टपल को। एंटिटी इंटेग्रिटी मीन दैट इट शुड बी ईजी टू आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन द डेटाबेस। एंड एंटिटी is anything like an object, subject or even represent in the database. अब entity वो कोई भी हो सकती है, वो कोई person हो सकता है, place हो सकती है जो represent कर रही होती है database के अंदर अपने आप को represent करके। बिकॉज आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं, आपने अगर entity integrity की बात करते हैं तो आप किसी भी relation के ऊपर, किसी attribute के ऊपर अगर primary की impose कर देते हैं तो उससे आप entity integrity जो है ना वो इंश्योर करा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी और दूसरा आप उसके अंदर नल वैल्यू जो है ना वो इंसर्ट नहीं कर सकते, जिससे आपका आप किसी भी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी। उसके बाद बात करते हैं डोमेन इंटेग्रिटी। डोमेन की अगर बात की जाए, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। अब डोमेन इंटेग्रिटी अगर बात करें, सेट ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कॉलम इज कॉल्ड डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन ए सब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम 0 to 100। अब व्यूअर्स, अगर आप किसी स्टूडेंट्स का एग्जाम लेते हैं और उसके अंदर जो उसके मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो 100 हैं, तो उसके स्टूडेंट के मार्क्स आने के जो चांसेस हैं वो 0 से 100 के दरमियान ही होंगे। अगर कोई स्टूडेंट -5 मार्क्स लेता तो आप कह सकते हैं ये डोमेन इंटेग्रिटी इनवायलेट हो रही है। इस तरह अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना 120 आ जाते हैं तो ये भी डोमेन इंटेग्रिटी की वायलेशन है, क्योंकि हमने एक डोमेन सेट कर दिया कि उसके मार्क्स जो है ना 0 से 100 की जो है तक आ सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन इंटेग्रिटी इनफोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू एंटर्ड इन ए कॉलम। डोमेन इंटेग्रिटी किसी भी कॉलम के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन लगाती है कि आपने जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो एक खास डोमेन के अंदर ही होनी चाहिए।
इट स्पेसिफाई द वैलिडिटी ऑफ ए स्पेसिफिक डाटा एंट्री इन ए कॉलम, द डाटा टाइप ऑफ ए कॉलम इन फोर्स डोमेन इंटेग्रिटी। इसी तरह व्यूअर्स अगर बात करते हैं, हमने किसी स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम रोल नंबर का अगर डाटा टाइप लेते हैं तो उसको हम हमेशा इंटीजर लेंगे, वाउचर नहीं लेंगे, या उसको डेट एंड कॉलम नहीं ले सकते। अगर नेम की बात करते हैं तो उसको हम वाउचर लेंगे, उसको हम इंटीजर नहीं ले सकते। तो इससे भी आपकी डोमेन इंटेग्रिटी जो है ना वो इन्फोर्स हो सकती है। उसके बाद तीसरी जो हमारे पास इंटेग्रिटी होती है वो होती है रिफ्रेशर इंटेग्रिटी। रिफ्रेशर इंटेग्रिटी प्रिजर्व द डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल व्हेन रिकॉर्ड आर एडेड और डिलीटेड। बिकॉज अगर आपने दो टेबल क्रिएट किए हैं, इसके अंदर पेरेंट टेबल है, दूसरा चाइल्ड टेबल है, ये एक बेस टेबल और दूसरा आपका जो समझ लें कि उसका डोमेन टेबल है, तो उसके अंदर आपको रिफ्रेशर इंटेग्रिटी जो है ना वो इन्फोर्स करनी पड़ेगी जब आप डाटा ऐड कर रहे होते हैं या डाटा डिलीट कर रहे होते हैं। इट इंश्योर दैट की वैल्यू आर कंसिस्टेंट अक्रॉस ए टेबल। जैसे व्यूअर्स देखें, हमने ये दो टेबल क्रिएट किए हैं, एक हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है और एक हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल। अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर, डोमेन और सॉरी डी नेम और लोकेशन है। जैसे डिपार्टमेंट टन है, सेल है, कराची है। डिपार्टमेंट नंबर 20 है, परचेज लाहौर है। डिपार्टमेंट नंबर 30 है, डोमेन डिपार्टमेंट नेम उसका मार्केटिंग और भुगतान से लोकेट करता है। अब अगर डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर हमने डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर प्राइमरी की इंपोर्स कर दी है तो इसका मतलब है इसके ऊपर एंटिटी इंटेग्रिटी हमने इंफोर्स कर दी। इसी के रिलेटेड हमने एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है। अब ये टेबल जो है ना इसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, यानी कि ये हमारा एक पेरेंट टेबल है तो ये हमारा एक चाइल्ड टेबल बन जाएगा। अब जो भी डाटा आप एम्प्लॉय टेबल के इंसर्ट करेंगे उसके लिए आपको पेरेंट टेबल को मद्देनजर रखना पड़ेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 अब्दुल्ला डॉगर और उसकी सैलरी 10,000 है, डिपार्टमेंट नंबर हमने यहाँ पे 10 लिखा है, तो इससे मुराद है कि ये वाला जो एम्प्लॉय है हमारा ये कराची से बिलोंग करेगा, ये लोकेट करेगा और उसका डिपार्टमेंट क्या होगा, सेल होगा। क्यों? ये डिपार्टमेंट बट जो 10 है ये जो है ना हमने यहाँ से लिया है, ठीक हो गया। और इसके ऊपर हमने क्या कर दी है, हमने एक फॉरेन की इम्पोज, यहाँ पे फॉरेन की जो है ना हमारे इम्पोज हो जाएगी, ये चाइल्ड पेरेंट प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन जो है ना हमारा कायम हो जाएगा। इस तरह दूसरे एम्प्लॉय की बात करते हैं, हफीज़ है, 25,000 सैलरी है और उसका डिपार्टमेंट जो है ना 30 है, तो इसका मतलब है ये मार्केटिंग और मुल्तान से लोकेट कर। इस तरह एम्प्लॉय नंबर 3 आशर है, 15,000 सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तो ये परचेज डिपार्टमेंट। अगर व्यूअर्स यहाँ पे देखें, ये 4 मुनवर 20,000 और अगर यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे मैं इसको 20 करूँगा तो ये मुझे इंसर्ट नहीं करने देगा, क्योंकि 40 डिपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वो 10 है, 20 है एंड 30। तो हमें जो भी यानी कि एम्प्लॉय का डाटा इंसर्ट करना होगा उसका डिपार्टमेंट नंबर इन 3 डिपार्टमेंट के अंदर ही यानी कि हमारा आ जाएगा, तो ये हमारी एक डोमेन वैल्यू आ जाएगी। यानी कि डोमेन वैल्यू हमारी 10 है, 20 है, 30 है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते। आप यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट नहीं लिख सकते, 15 डिपार्टमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि 15 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पास यहाँ पे नहीं है। इसी तरह अगर बिकॉज आपने यहाँ पे डाटा डिलीट करना है 10 सेल का पेरेंट टेबल में से, तो ये आपको पहले इसके जो रेलिवेंट एम्प्लॉय का टेबल है उसमें से ये वाले रिकॉर्ड जो है ना आपको पहले डिलीट करने पड़ेंगे, तभी आपको ये डाटा जो है ना वो डिलीट करने देगा। और यहाँ पे मतलब वही बात आ गई कि अगर आपने डाटा इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो उसके लिए आपको दोनों टेबल को रेफरेंशली आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह की इंटेग्रिटी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं। ये देखिए हमारा डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्ट नंबर, इसके दरमियान जो है ना एक रिलेशन कायम है जिसे हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का नाम देते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह जो है ना आप इंटेग्रिटी जो है ना वो अपने डेटाबेस के ऊपर इन्फोर्स कर सकते हैं, और इसकी ये 3 टाइप जो है ना इनको आप कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर का आप समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।